नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित और आज मैं शेयर करूंगा अपनी YouTube जर्नी का एक बहुत ही अहम भूमिका जो मेरे जीवन में मैंने अपने इस YouTube चैनल पर सीखा है, वो सब चीज आपको बताने वाला हूं और कैसे मैंने अपने इस चैनल को ग्रो किया वो भी चीज आपको बताने वाला हूं। तो जैसे आपने टाइटल और थंबनेल दोनों में देख लिया है कि किस तरीके से कितनी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर और 4000 यानी 4000 घंटा वॉच टाइम कैसे पूरा करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपके लिए भी ये एक बहुत ही बढ़िया बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम। 1000 सब्सक्राइबर तो हम कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन 4000 घंटे का जो वॉच टाइम होता है वो हमारा जल्दी से पूरा नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड, तो आज हम डीपली उसी के बारे में बात करने वाले हैं और वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से मात्र 15 दिन से एक महीने के अंदर में अपने चैनल पे 4000 से अधिक वॉच टाइम ला सकते हो और 1000 के जगह पे आप 25000 20000 30000 तक सब्सक्राइबर लेके आ सकते हो, सब्सक्राइबर गेन कर सकते हो। तो वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी यूट्यूब जर्नी में दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, 1000 सब्सक्राइबर, 4000 वॉच टाइम, यानी कि यूट्यूब से अर्न करने के लिए हमें ये दो चीजें यानी ये दो क्राइटेरिया हमें पूरा करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सारी चीजों के लिए यानी सारे लोगों के लिए जितने भी लोग हमारे भाई हैं साथी हैं जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं, जो यूट्यूबर बनने के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है कि वो 1000 सब्सक्राइबर तो कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके चैनल पे व्यूज ही नहीं आता या फिर कोई वीडियो वायरल ही नहीं होती। तो इसके वजह से क्या होता है ना कि 4000 घंटे का वॉच टाइम नहीं आता है। तो चलिए अब डीपली समझते हैं कि 4000 घंटे का वॉच टाइम हम कैसे ले सकते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। जिनकी वीडियो वायरल सी नहीं होती, तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको जो वीडियो वायरल करना है या अपने चैनल को ग्रो करना है तो आपको सबसे पहले एक ही नीच पे काम करना पड़ेगा, यानी एक ही थीम पे काम करना पड़ेगा। जिस भी कैटेगरी में आप काम कर रहे हो, जिस भी कैटेगरी का आप वीडियो अपलोड कर रहे हो, सिर्फ उसी कैटेगरी का आपको वीडियो अपलोड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका एक भी वीडियो वायरल नहीं हो रहा है तो उसका भी मैं ट्रिक अलग से एक बना दूंगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर तो इस टाइप का वीडियो नहीं बनाता हूं, वो एक अलग चैनल आपको मैं दे दूंगा। लेकिन मोटा मोटी आपको मैं बता दे रहा हूं कि ये जो मैं वीडियो आपको बना रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से बना रहा हूं, ये चीज आपको बड़े यूट्यूबर कभी नहीं बताएंगे और आप जो डिमोटिवेट होते हो ना उनको देख के जो डिमोटिवेट हो जाते हो, आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको करना क्या है, सिंपली आप मतलब एक थीम बना लीजिए और एक नीच बना लीजिए, उसी पे रन चलते रहिए। ठीक है, चलते रहिए, आपको भी एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। एक दिन क्या, आप एक महीने के अंदर इस चीज को हासिल कर सकते हैं अगर आप मतलब उस चीज पे फोकस कर लें, यानी कि टाइमिंग बना लें कि हम इस टाइम पे, जैसे मैं 2 बजे वीडियो अपलोड करता हूँ, मेरी जो वीडियो होती है हर दिन 2 बजे आ जाती है। ठीक, वैसे ही आपको भी करना है कि यानी कि एक निश्चित टाइम रखना है कि हमें इस टाइम पे वीडियो अपलोड कर देनी है। ठीक है, वीक में मतलब 7 दिन में 7 वीडियो डालनी है और अच्छा कंटेंट आपको बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, टैग टाइटल मतलब जितनी भी चीजें हैं आपको एकदम मस्त रखना है और डेफिनेटली आपका भी, क्योंकि यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है फ्रेंड्स वो बहुत बढ़िया से काम कर रहा है और इस चीज को प्रोसेस कर रहा है, छोटे यूट्यूबर्स को प्रमोट कर रहा है, तो इस चीज का आप फायदा उठाइए और जल्दी से जल्दी इस चीज को आप सुधार लीजिए और आप अपने चैनल को भी ग्रो कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो मैं आपको डिटेल वीडियो दूंगा, तो अगले वीडियो के लिए कमेंट करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।